बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखो, मैंने बच्चों के ना वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, बच्चों ने ये देखे मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं। बस हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, और बच्चे छुट्टियाँ थी तो छुट्टियों में इन्होंने बस यही काम किए हैं। जब जिस काम को लगते हैं ना, बस उसी के ही पीछे पड़ जाते हैं। पहले यहाँ पर हमारे ना छोटी सी एक नाली है, तो वहाँ पर ये नहाने के लिए रोज़ जाया करते थे। तो अभी ये बर्तन वगैरह बना, तो ये देखें इस तरह से इन्होंने, जिस तरह से वो बड़ों को देखते हैं, तो उसने ये देखे पैसे वगैरह बना के और उनकी छोटा सा चारा डालने के लिए बनाई हुई है। और ना साथ में दीवारें बनाई हुई हैं कि ये दीवारों में ये इसका इनका ना जो रहने के लिए जगह बनाई हुई है। तो इस तरह से बच्चों ने, जो लड़के हैं वो अलग एक तरफ खेल रहे हैं, उन्होंने इस तरह से भैंसे वगैरह बना के रखी हुई हैं, और जो लड़कियां हैं वो अलग दूसरी तरफ खेल रही हैं। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बस बच्चे हैं ना, तो बच्चों को बंदा क्या कहे, सारे मिट्टी से गंदे हो जाते हैं। तो फिर रात को इनको नहला के दूसरे कपड़े पहन के फिर इनको ना सुलाया जाता है। बस ये कि बहुत मैं तो कहती हूँ, डांटती हूँ, लेकिन ये कि नहीं ना टलते किसी बात से भी। लेकिन मैं भी ये कहती हूँ कि चलो अभी तो छुट्टियाँ हैं, खेल लें। तो इसीलिए अभी कल से इन्होंने, पीर वाले दिन से इंशाल्लाह ये स्कूल जाएंगे। इनके यूनिफॉर्म वगैरह भी सिलाई देने के, सिलाई करने के लिए दिए हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह से आ जाएंगे पी संडे वाले दिन। तो फिर मैं आपके साथ वो भी वीडियो बना के शेयर ज़रूर करूँगी। और इसीलिए फिर मैंने कहा चलो अभी छुट्टियां हैं, तो अभी बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर बाद में जब स्कूल खुल जाते हैं तो फिर स्कूल, ट्यूशन, मदरसा, तो इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता खेलने के लिए। ये देखिए, ये मरियम और मायरा ने, इन्होंने दूसरी तरफ ये देखे ये रख के बैठी हुई हैं बर्तन वगैरह, और ना इस तरह से बना के प्लास्टिक के। इनको बहुत सारे खिलौने भी ला के देते हैं, लेकिन ये कि ना उनको गुम कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से फिर बना के कुछ होते हैं वो खिलौने, और कुछ मिट्टी के बना के इस तरह से खेलते हैं। बस थोड़े दिन ही हैं, फिर इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएंगे पीर तक, तो फिर ये स्कूल चले जाएँगे। और ये मायरा कह रही थी कि मम्मा मम्मा ये वाली मैं ना, मैंने ये तंदूर बनाया है ना जिसमें रोटियां लगाते हैं, तो मेरा तंदूर जो है ना वो दिखाओ। तो मैंने कहा आप उठाओ तो मैं दिखाती हूँ। ये मेरी भांजी आई हुई थी, ये कह मैं गई थी वहाँ पे, तो कह रही थी कि मेरे पप्पा आपके साथ जाना है, तो मैं इसको ले आई। इनके भी अभी स्कूल नहीं खुले थे। और ये देखें, ये मायरा ने तंदूर बनाया हुआ है, और माशाल्लाह बच्चे, बस ये हैं कि बच्चों के खेल तो बच्चे ही जानते हैं ना कि उन्होंने किस तरह से खेलना है। और ये है, इसका नाम कश्यप है, और ये नहीं आ रही थी ना, इसकी मम्मा इसको भेज नहीं रही थी कि इसका वहाँ पर दिल नहीं लगेगा, फ़र्स्ट टाइम आई है हमारे पास ना। लेकिन ये कि हम तो जाते रहते हैं, बच्चों के साथ खेलती है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर बहुत अच्छे से दिल लग गया। तो फिर यहाँ पर मैंने, दोपहर का टाइम था और कपड़े वगैरह भी वॉश किए थे, तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो आज मैं ना कुछ मीठा बनाती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हुआ था। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैं अक्सर मीठा बनाती रहती हूँ, बच्चों को और इनके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज मौसम को एंजॉय करते हैं। तो फिर मैंने सूजी बनाई थी, और सूजी एक तो दूसरी तरह सोन हलवा भी बनता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें, ये ना हमारे लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैं इनके पापा को बोल रही थी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो प्लीज़ कहाँ कहीं से ला दो। तो इतना अच्छा हुआ कि अभी इन्होंने लकड़ियाँ, मोटी सी एक लकड़ी पड़ी हुई थी, तो उसको इन्होंने काटा। तो जैसे ही शाम को इन्होंने काटा, रात को इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई, तो मैं इनको बोल रही थी कि आपने अच्छा किया ना लकड़ियाँ काट दी, नहीं तो जैसे बारिश होगी तो बहुत मसला बन जाना था। तो ये देखें, फिर बाहर का थोड़ा सा मौसम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत प्यारा मौसम हुआ था, और ना हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना। तो बारिश का मौसम तो बना हुआ था, लेकिन अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे, मैं तो यही दुआ कर रही थी कि बारिश नहीं हो, क्योंकि मैंने कपड़े वॉश किए थे और कपड़े सारे अभी तार के ऊपर पड़े हुए थे, गीले थे। तो मैंने कहा अगर बारिश हो गई तो और भी मुसीबत बन जाएगी, लेकिन यह कि अभी तक तो नहीं हुई, अल्लाह करे शाम तक नहीं हो और कपड़े सूख जाए। और ये कि लकड़ियाँ जब अच्छी होती हैं तो चूल्हे पर काम करने का अपना ही मज़ा होता है, बहुत अच्छे से आग जल रही है और लकड़ियों पर काम करने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने सूजी को अच्छी तरह से ना ब्राउन कर लिया था, और एक गिलास और थोड़ी सी ऊपर मैंने इसको, इसके अंदर सूजी डाली थी, और उतनी ही चीनी डालती है, क्योंकि मीठा कोई भी बनाए हम तो जितनी वो चीज़ होती है उतना ही उसमें ना चीनी डलती है। और जैसे चावल वगैरह है, अगर एक किलो चावल है तो एक किलो ही चीनी डलेगी, अगर सूजी भी ऐसे है, अगर एक किलो सूजी है तो इसमें एक किलो ही चीनी डलेगी ना। तो इसी तरह से ये मैंने एक गिलास बनाया था, एक गिलास से थोड़ी ऊपर थी, तो फिर मैंने उतनी ही इसमें चीनी डाली है, बन के हमारी तैयार हो गई थी। साथ ही मैंने वहाँ पर चाय रख दी। वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैं चाय ज़्यादातर गैस पर ही बनाती हूँ, लेकिन अभी आग बहुत अच्छी जल रही थी, तो मैंने कहा यहीं पर मैं चाय बना लेती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे ही चाय बनाई।
और ये है कि जब हमारे काम करना ये जिस किचन वगैरह अच्छा हो तो काम करने का हो कोई भी मसला नहीं होता। कहते हैं कि जो भी अगर किसी औरत की सफाई देखनी हो तो उसका वॉशरूम और किचन देखना चाहिए। इस बात को आप लोग भी ज़रूर नोट कीजिएगा कि हमें वॉशरूम और किचन की अच्छे से सफाई, जिनको सफाई पसंद होती है वही लोग जो होते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और ये फिर मेरी हेल्पर थी, वो मेरे साथ काम वगैरह करवा रही थी, फिर मैंने उनको भी दी। आप लोग इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा करें कि जो चीज़ आप खुद खाते हैं अपने बच्चे को खिलाते हैं वही अपने हेल्पर को दिया करें, क्योंकि हेल्पर वगैरह जो होते हैं वो भी आप ही के घर से खाते हैं, क्योंकि गरीब होते हैं, कोई अच्छा इतना ख़ास वो बना नहीं सकते। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो ख़ुद खाते हैं वही अपने हेल्पर को दें, चाहे वो कोई भी हो ना। तो वो एक तो दुआ भी देगा, दूसरा हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए कि हम खुद ही कोई भी चीज़ बना के खा लें। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, जो भी चीज़ खुद बनाती हूँ खाती हूँ वो भी बच्चों ना हेल्पर को भी और बच्चों को भी साथ ही खिलाती हूँ। तो इसीलिए ये देखें अभी बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा बन गया था, तो मैं कह रही थी कि अभी बारिश ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखें कपड़े भी पड़े हुए थे सारे मैंने चार पाइयों के ऊपर, क्योंकि बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े माशाल्लाह माशाल्लाह से हुए थे। माशाल्लाह चार बच्चे हैं, रोज़ के रोज़ कपड़े बदले करते हैं, दिन में कभी तो दो दफ़ा भी कर लेते हैं। और अभी ये शाम का टाइम हो गया था, सूजी वगैरह खा ली थी हमने, चाय वगैरह पी ली थी, चाय इंजॉय कर ली थी दोपहर की। और अभी ये देखें ये चकोर है, कहते हैं कि जिस घर में ये जानवर होता है ना वहाँ पर जादू टूना नहीं चलता ना। तो ये हमारे घर में दो थी, लेकिन एक तो बेचारी मर गई है और एक ही है, और ये ना दीवार के ऊपर बैठी हुई थी। मेरे जहन में आया, मैंने कहा चलो इस बात की भी नॉलेज अपने व्यूवर्स को देती हूँ कि इस जानवर को अपने घर में रखना चाहिए। और ये देखें मरियम वालों का वही काम है, इन्होंने अभी पहले वहाँ पे बैठी हुई थी, अभी यहाँ पे आके बैठ गई हैं, लेकिन मट्टी वहाँ पे हाथ में पकड़ी हुई है। ये मेरी जो भतीजी है वो भी इनके साथ ही है, बहुत एंजॉय कर रही है और कह रही है कि पप्पा मेरा बहुत अच्छे से दिल लगा हुआ है। तो मैं इनको कह रही थी आप यहीं पर रह जाओ और यहीं पर अपना पढ़ाई शुरू कर लो, इनके साथ ही चले जाया करो, क्योंकि हमारे वहाँ गाँव में कोई इतना अच्छा खास स्कूल नहीं है ना। तो ये देखें हमारा भी इनके साथ बैठी हुई है, तो अच्छे बहुत अच्छे से इनका दिल लगा था और बहुत इंजॉय कर रही थी। और ये देखें चिकोर जो है ना ये अभी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। और अब मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक करना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और आगे शेयर किया करें। और मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।